हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग के अंदर हम आए हैं भाई यमुना नदी के किनारे वृंदावन में, और इस घाट को बोला जाता है केसी घाट। और यहाँ पे आप ये देखो, कदम का पेड़ है, बहुत ही पुराना पेड़ बताया जाता है कि 5000 साल पुराना पेड़ है। और श्री कृष्ण यहाँ पे गोपियों के वस्त्र जो है उठा के इसी पेड़ पे चढ़ा करते थे, इसी वजह से इसी पेड़ की टाहनियों के ऊपर आप देखेंगे बहुत से रंग बिरंगे कपड़े भी चढ़ा रखे हैं। और पहले बताया जाता है कि यमुना नदी का प्रवाह यहाँ तक आता था, ये घाट यहाँ पे बने हुए हैं भाई, आप देख सकते हैं दोनों ओर यहाँ तक घाट था, अभी बीच में रोड वगैरह बन गए हैं। ये पेड़ देखो कितना पुराना और बड़ा पेड़ है, 5000 साल के आसपास बताया जाता है ये पुराना पेड़ है। और अभी इतना देखो भाई, यमुना नदी यहाँ तक जाते जाते कहाँ तक जा लिए, बिल्कुल थोड़ा सा एरिया बचा हुआ है, नहीं तो बहुत चौड़ा प्रवाह था यमुना नदी का। और इस घाट के पीछे एक स्टोरी भी काफ़ी प्रचलित है भाई। बताया जाता है कि एक बार श्री कृष्ण यहाँ पर विश्राम कर रहे थे यमुना नदी के किनारे, तो कंस ने उन्हें यहाँ पे देख के यहाँ पे केसी नाम के दानव को भेजा। जो केसी नाम का दानव था वो एक बहुत ही खतरनाक घोड़े का रूप धारण करके यहाँ पे आ गया और लोगों को मारने लगा। तो श्री कृष्ण ने उन्हें पहचान लिया और केसी नाम के दानव को यहाँ पे मार दिया। तो उसके बाद ही इस घाट का नाम केसी घाट यहाँ पे बताया जाता है कि रखा गया। अभी के समय में जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यमुना नदी थोड़ा सा प्रभाव बचा हुआ है यमुना नदी का, और यहाँ पे अभी बोटिंग वगैरह की जाती है। जो टूरिस्ट आते हैं वो बोट में बैठ के यमुना नदी के आसपास के जो मंदिर हैं उनको देखते हैं, दर्शन करते हैं, और कोई स्नान करने के लिए जाता है तो कोई यहाँ पे पूजा पाठ वगैरह करने के लिए भी आता है। तो अलग अलग रीजन से लोग यहाँ पे आते हैं, कोई यमुना नदी को स्पेशल देखने के लिए आता है। तो ये बोट आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनमें बैठ के लोग इसका भ्रमण करते हैं, दूर दूर तक घूम के आते हैं यमुना नदी के प्रवाह के अंदर। और जो इनमें बोटों का चार्जेस है वो बताया जाता है कि 100 रुपये से लेकर 250 रुपये तक बोट वाला आपसे लेगा, लेकिन आप अगर उनसे बात करेंगे थोड़ी देर उनसे इस बारे में तो वो आपका रेट है 50 रुपये से 100 रुपये पर बंदा कर देता है। तो आप देख सकते हो भाई कि जो टूरिस्ट आते हैं वहाँ उनसे यहाँ पे 250-300 रुपये भी ले लिए जाते हैं। तो अभी हमने एक बोट वाले के साथ बार्गेनिंग की और उन्होंने पर बंदा 80 रुपीज़ चार्ज लिया और बच्चे का फ्री था, तो हम दोनों को बोट की राइड मिली 160 रुपये में। और जो ज़्यादातर लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं वो शेयर्ड बोट ही लेते हैं, अगर आप स्पेशल बोट लोगे तो आपको चार्जेस और भी ज़्यादा पे करने होंगे, जो 500 से 700 रुपये या 1000 रुपये तक भी हो सकते हैं, लेकिन हम शेयर्ड बोट ही यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हमारी बोट चल पड़ी है भाई यहाँ से। वैसे यहाँ पे बताया जाता है कि बोट राइड का जो सबसे अच्छा समय है वो शाम को सूर्यास्त का समय पे माना जाता है, कि जब सूर्यास्त हो रहा होता है तो बहुत ही प्यारा दृश्य यहाँ पे देखने को मिलता है, आसपास के मंदिरों का और यमुना नदी का, और बहुत ही मनोहक दृश्य बन जाता है ये। और शाम को 4:30 बजे के आसपास यहाँ पे घाटों पे आरती भी होती है, शाम की आरती, तो वो आरती भी बहुत सुंदर लगती है बोट राइड में जब हम उस आरती को देखते हैं तो घाट पे। तो जैसे मैंने बताया अभी हम शेयर्ड बोट यूज़ कर रहे हैं, और जो हमारी बोट में लेडीज़ हैं वो स्नान करने के लिए घाट पे दूसरी तरफ जाने लग रही हैं, तो वहाँ पे जाके वो स्नान वगैरह करके आएंगी। तो इसी वजह से हम यमुना नदी के इस घाट से लेके वृंदावन वाले घाट से लेके दूसरे घाट पे जाने लग रहे हैं। तो ये देखो भाई, मैं ये बात कर रहा था कि कितना सुंदर लगा है जब बोट में हम वृंदावन पे घाटों को देखते हैं, केसी घाट को। यहाँ पे बहुत पुराने पुराने मंदिर बने हुए हैं और बहुत ही सुंदर बोट हैं और उनको सजाया गया है। और ये देखो जय श्री राम के झंडे वगैरह भी अभी यहाँ पे लगाए गए हैं, और बोटों को बहुत सुंदर से सजाया गया है, क्योंकि अभी श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा थी 22 जनवरी को, तो उसी वजह से यहाँ पे भी एक छोटा सा आयोजन हुआ था और यहाँ पे बोटों को बहुत सुंदर सुंदर सजाया गया था, और बोटों की रैली निकाली गई थी यमुना नदी के अंदर से, तो बहुत ही सुंदर दृश्य था। यमुना नदी के ऊपर जो ये आप पिक्चर देख रहे हैं केसी घाट के पिक्चर, ये पिक्चर यहाँ की आइकॉनिक पिक्चर मानी जाती है, मंदिर और धर्मशाला वगैरह यहाँ पे बनी हुई हैं। तो अभी हम घाट पे दूसरी तरफ पहुँचने वाले हैं।
और हमारी बोट के अंदर जो लेडीज वगैरह बैठी हुई हैं ये बहुत ही प्यारे प्यारे भजन यहाँ पे करने लग रही हैं। जो बोट की आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ है मशीन की, तो इसी वजह से मैं आपको जो रियल वॉइस है वो नहीं सुना पा रहा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ है। लेकिन यहाँ पे जो लेडीज़ बैठी हुई बहुत ही प्यारे प्यारे भजन करने लग रही हैं। तो अभी हमारी जो वोट है वो पहुंच चुकी है भाई घाट पे, जहाँ पे सभी लेडीज़ वगैरह को स्नान करना है। हमें स्नान नहीं करना है, हमारे को ये जो अभी दर्शन करने के लिए आए थे बस हम यहाँ पे, फिर कभी देखेंगे अगर स्नान के लिए स्पेशल आना होगा तो कोई तो वजह छोड़नी चाहिए भाई दोबारा भी यहाँ पे आने के लिए। तो अभी सभी लेडीज़ जाने लग रही हैं नहाने के लिए, और तब तक हम करते हैं इनका वेट। आप यहाँ पे देख सकते हो कि विदेशी जो टूरिस्ट है ना वो भी स्पेशल बोट करके यहाँ पे कीर्तन भजन करते हुए यमुना नदी के अंदर आपको दिख जाएंगे। और ये भी देखो यहाँ पे पूरी टोली के अंदर अपने भजन करते हुए, और ये वैसी बोट करते हैं भाई बुक जिसके अंदर इंजन नहीं होता, नहीं तो इंजन वाली बोट में बहुत ज़्यादा वॉइस होती है। और ये हाथ से चक्का घुमाने वाली जो बोट है वो बुक करते हैं और उसके अंदर प्यारे भरे कीर्तन करते हुए यमुना नदी में शाम के व्यू का लुप्त उठाते हैं भाई। तो अभी जो सभी लेडीज़ हैं भाई वो स्नान वगैरह करके वापस आ गई हैं बोट के अंदर, और हमारी बोट वापस चल पड़ी है यहाँ से इस घाट से जहाँ पे हमने बैठा था, वापस वहीं पे हमारे को ड्रॉप करेगी। तो अभी चलते हैं यहाँ से और उतरते हैं अपने घाट पे जहाँ से हमने बैठा था, और फिर चलते हैं आगे। तो कैसा लगा भाई आज का व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको बहुत ही अच्छा लगा है तो भाई अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर अपने फेसबुक चैनल पे आप शेयर भी कर सकते हैं भाई हमारे व्लॉग को थोड़ा और सपोर्ट करने के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।